धमतरी जिले में जमीन और पैसों के लालच में दो कलयुगी बेटों के द्वारा अपने अपने पिता का हत्या करने का मामला सामने आया। बता दें कि सिवनी कला निवासी आरोपी पूनम चंद पटेल ने जमीन और पैसों के लालच में अपने पिता फिरंता पटेल की हत्या की योजना अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर बनाई, जिसके बाद 6 मार्च को गला घोट कर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया और मौत को सामान्य बताकर अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं दूसरी ओर ग्राम बकली निवासी आरोपी सुदामा देवांगन भी कर्ज में डूबा हुआ था, जो अपनी जमीन को बेचना चाहता था, लेकिन उसके पिता पंचराम देवांगन जमीन को बेचने नहीं दे रहे थे, जिसके चलते आरोपी ने 14 मई को दो दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता को मौत के नींद सुला दिया और मौत को सामान्य बताकर उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में दोनों मृतक के बेटों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये दिनांक 6 मार्च की घटना है, पहली घटना जो है जिसमें अपराध क्रमांक 256 हम लोगों ने FIR किए। उसमें एक जो मृतक है फिरंता पटेल, उनके बेटे पूनम चंद पटेल ने अपने बाकी 3 साथियों के साथ उनकी खेती वेती जो प्रॉपर्टी है, जो ऋण पुस्तिका है, सबको अपने कब्जे में लेने के लिए, प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए उनकी हत्या कर दी अपने मित्रों के साथ। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद 14 मई को फिर मृतक है इसमें पंचराम देवांगन, जिसके बेटे सुदामा देवांगन ने पूनम चंद पटेल और हरीश साहू के साथ मिलकर पंचराम देवांगन की हत्या उसी प्रॉपर्टी के लिए ही की थी। फिर बाद में जब खुलासा गांव वालों को हुआ तो गांव वालों ने मीटिंग बुला के इस बात को क्लियर किया। उसके बाद फिर उन लोगों ने थाने आके हमें रिपोर्ट की। रिपोर्ट करने के बाद फिर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाकी जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। इन लोगों ने पैसा भी दिया था अपने दोस्तों को, सुदामा देवांगन ने और पूनम चंद पटेल ने, उस पैसे की भी रिकवरी की जा रही है और इन लोगों को भी MLC करा के इन लोगों को जेल दाखिल किया जाएगा। मामला पुराना इन लोगों ने दफन भी कर दिया था। इसमें जो पहला आरोपी जो था पूनम चंद पटेल, उसने किसी को बताया अपने गिल्ट में आके कि मैंने अपने बाप का मर्डर किया है करके, उस आदमी ने फिर गांव वालों को बताया। फिर गांव वालों ने मीटिंग ली, मीटिंग के बाद बताया ऐसा था, फिर हमें आके गांव वालों ने रिपोर्ट किया, उसके बाद फिर FIR दर्ज। DM से परमिशन लेके कब्र को खोदा गया है, उसके बाद उसका परीक्षण भी किया गया है, उसका DNA टेस्ट भी कराया जाएगा। 100 की अस्थि बरामद हुई, एक को जो दफनाया गया था और एक को जला दिया गया था।